भूमिहीन परिवारों के लिए जमीन की मांग को लेकर निकाला गया प्रतिरोध मार्च। भाकपा माले ने शेरघाटी में बुढ़िया नदी के तट पर बसे भूमिहीन दलित परिवारों के लिए आवास हेतु भूखंड उपलब्ध कराने की मांग को लेकर सोमवार को शेरघाटी में प्रतिरोध मार्च किया है। इस आंदोलन में लाल झंडे और क्रांतिकारी स्लोगन लिखी तख्तियों के साथ बड़ी संख्या में दलित परिवार की महिलाएं भी शामिल थी। ताजा आंदोलन शासन की अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई के बाद शुरू हुआ है, जिसमें शेरघाटी नगर परिषद के इंदिरा नगर इलाके में नदी के तट पर बनी कई संरचनाओं को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त कर दिया गया था। इंदिरा नगर से निकाला गया यह मार्च जीटी रोड और नई बाजार होते हुए गोला बाजार तक गया और फिर वापस लौट आया। 13 तारीख को इंदिरा नगर के 16 घर को ढा दिया गया, इसकी कोई सूचना नहीं दिया गया। नदी किनारे बसे हुए हैं, इनका हिंदुस्तान में कहीं भी इनके पास जमीन नहीं है। अपना मेहनत करके झोपड़ी दिए हैं, इसकी सूचना तक नहीं दिया गया, बुलडोजर से ढा दिया गया है। जबकि शहरी आवास योजना के तहत ये कानून है कि हर गरीबों को बसने के लिए 5 डीसी जमीन दिया जाए, बिल्डिंग बनाया जाए। ऐसा ना करके यहाँ की सरकार, यहाँ की प्रशासन जो है गरीबों के साथ अन्याय किया है, जुर्म किया है। इसलिए हम लोगों ने इसको प्रतिरोध करेंगे और अंत तक लड़ाई, हम और आगे भी लड़ाई लड़ेंगे। अगर इन लोग को जमीन नहीं दिया गया, इन लोग को फिर बुलडोजर चलाना नहीं रुका, तो और लड़ाई हम आगे लड़ेंगे। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे भाकपा माले नेता रामलखन प्रसाद के शब्द प्रतिरोध मार्च में शामिल महिलाओं ने क्या कहा, सुनिए। हम लोग देखो नदी में घर बना रहे थे 10 साल से, हम लोग का कोई सूचना नहीं दिया गया और दीवार तोड़ दिया। इसीलिए हम सरकार से यही करते हैं कि हम लोग का रहने का व्यवस्था दे दिया जाए। घर नदी में तोड़ दिया गया है, इसीलिए हम लोग सब मिल के इकट्ठा होकर और जुलूस निकाले, हम लोग को इंसाफ दिया जाए और हम लोग को मतलब बना के घर दिया जाए, उसके बाद तोड़ा जाए। हम लोग का यही प्रॉब्लम है सर, हमारी विकलांग लड़की है, चल नहीं पाती है सर, हमारे घर वालों के एक्सीडेंट हो गया है सर, बिल्कुल सिर से काम नहीं कर पाते हैं, हम मजदूरी मेहनत करके खाते हैं सर, और बिल्कुल झोपड़ी लगा कर रख रहे हैं, फिर भी तोड़ने के लिए मौजूद हैं, तो हम कहाँ जाएं सर इस समय बच्चे को लेकर के, शीतलहरी में रोड पर हम लोग बच्चे को लेकर के रात भर जब से टूटा है घर तब से हम लोग खाना नहीं खाए हैं, बिल्कुल दो गाय रखे वो भी मरा जा रहा है सर, हम कहाँ रखे सर। इसीलिए हम लोग सरकार से मेहनत मजदूरी मांग रहे हैं और रहने की जगह मांग रहे हैं। अब हम विधवा औरत है, मेरा बच्चा है दुगो, हम कौची खाए और कौची कहाँ रहे हैं, मेरे रहने के लिए जगह दीजिए। यह थे प्रतिरोध मार्च में शामिल महिलाओं के शब्द। शासन के अतिक्रमण विरोधी अभियान से खौफ ज़दा होकर अपने लिए जमीन और घर की मांग कर रही हैं। शेरघाटी से गुड्डू सिंह की रिपोर्ट।